ये हिजरते हैं ज़मीं और ज़मा से आगे की, जो एक बार चला गया उसे लौट कर नहीं आना, उसे लौट कर नहीं आना। दोस्तों, आज बहुत भारी मन से और भरे हुए मन से आपके सामने आया हूँ। 30 मार्च 2022 जो अभी निकला है, पिछले ही हफ्ते मेरी सासू माँ, मेरी वाइफ की मदर, जिनका चैनल है थिंग स्टाइल विद शफकत, वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई हैं, जिस वजह से अभी भी हम लोग उनके सदमे से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा बेटर लग रहा था तो सोचा कि आपके सामने ये जानकारी दे दूं कि किस वजह से आपकी होस्ट अंदर शफकत खान चैनल पे एक्टिव नहीं है और उनकी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करिए, अल्लाह तबारक ताला उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ अता फरमा दे और उनकी मगफरत अता फरमा दे। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि इस वजह से हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग अभी उभर नहीं पाए हैं इस गम से जो सडन एक गम आया है। और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तीसरे रोज़े को यानी 16 अप्रैल 2021 को मेरी वालदा यानी शफकत की सासू माँ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई थी। दोस्तों, उनके लिए भी दुआ फरमाइएगा और दुआ फरमाइएगा कि हम लोग जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, और दुआ फरमाइए अहले इंसानियत को अल्लाह तबारक ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ, और कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज निकल नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ही हिम्मत कर पाया हूँ आपको ये जानकारी देने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए मैं बैठ पाया हूँ। शफकत तो बिल्कुल भी मतलब अभी चीज़ों से उबर नहीं पाई हैं, वो तो समझ लीजिए बिल्कुल मतलब एक जैसे चुप्पी लग जाती है उस तरह का उनका माहौल है। इस टाइम बिल्कुल डिप्रेस है इस टाइम। तो मैंने सोचा मैं ही चैनल पे आके आप लोग को इसकी जानकारी दे दूँ। दोस्तों, तो दोस्तों बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए।